कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जब तुझे पूर्ण ज्ञान हो जाएगा अर्जुन, उस पूर्ण परमात्मा का और मेरा तथा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों का, देवताओं का, जब तुझे सही ज्ञान हो जाएगा, उसमें तेरी बुद्धि, तेरी आस्था ऐसे हो जाएगी जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त होने पर और फिर छोटे जलाशय में जैसी श्रद्धा रह जाती है, ऐसी तेरी भावना आप ही रह जाएगी। अब देखो कितना अनमोल उदाहरण दे दिया भगवान ने एक ही शब्द में कि जब तुझे सही ज्ञान हो जाएगा उसमें तेरी, जब तुझे पूरा बड़ा लंबा चौड़ा जलाशय, यानी बहुत बड़ा तालाब, बड़ी लेक, झील जिसका पानी कभी समाप्त ना हुआ, यानी इनमें गर्मियों में भी समाप्त ना हुआ है, और पहले आप किसी एक छोटे से जलाशय का आश्रय लिए हुए थे और वो गर्मियों में सूखने की संभावना होती थी यदि बारिश ना होता है, तो ऐसे फिर तो आपको वो जलाशय मिल जाएगा बड़े वाला, तो आपकी आस्था जैसे उस छोटे जलाशय में रह जाएगी, उसमें अनादर नहीं रहेगा पर इतना रहेगा कि इब्तम मौज होगी, अब तो कभी चिंता का विषय नहीं रहा, बारिश ना होगी तो भी काम चल जाएगा, और पहले बहुत चिंता रहती थी कि ये तो सूख जाएगा, अधूरा है। अब इस प्रकार कहता है कि वो भी अनादरणीय नहीं है छोटा जलाशय, लेकिन फिर ये श्रद्धा आपकी इतनी नहीं रहोगी जो फिर उसमें हो जाएगी। ऐसे जब पूर्ण परमात्मा का तुझे ज्ञान हो जाएगा अर्जुन, फिर तेरी मुझे समझ लेगा और फिर सभी प्राणियों को समझेगा, और फिर तू यहां से उसकी तरफ लग जाएगा, स्वतः ही कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा भाव है गीता जी में, इस पवित्र शास्त्र गीता में इस अनमोल वचन लिख रखे भगवान ने, कमाल कर रखा है, लेकिन समझने बिना कमी रही। अब कई भक्तात्मा नाम देते हैं, राधे राधे श्याम राधे, राधे राधे बोलो, राधे 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 राधे, टूटन ना हो जाए सारे दिन, बड़ी आत्माओं सही मंत्र दो और पूर्ण परमात्मा की भक्ति बताओ, विधिवत साधना कराओ, ये तो मीठी गोलियां स्वीट टेबलेट्स, और ये बड़ी आत्मा इस रंग में तो पहले रंगी हुई है, इनसे तो इनको हटा के सतमार्ग पर लगाना, जैसे श्री कृष्ण जी ने वृंदावन के अंदर ब्रजवासियों से कहा था कि इस इंद्र की पूजा मत करो, इंद्र तो देवताओं का राजा है, और उसको ये छोटी पूजाओं से हटा करके उस परमात्मा की भक्ति करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, और इंद्र की पूजा को बंद करवा दिया था। इंद्र इस बात से अक्षुब्ध होकर नाराज होकर के और सारे ब्रज को डुबाना चाहता था, जोर की बारिश कर दी मूसलधार, भगवान ने गोवर्धन उठा दिया, ये गिरिराज उठा दिया छोटी उंगली पे, और सारा इंद्र बरस लिया, सारे बादल खारिज समाप्त हो गए, और उसके ब्रज क्षेत्र में कि तो छींट भी ना लगी, तब आके पैर पकड़े इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के, रक्षमा याचना की, प्रभु मुझे मालूम नहीं था। जब श्री कृष्ण ने कहा कि नादान तू क्या देगा इनको कि उनका जीवन व्यर्थ करवावे, अपने स्वार्थ के लिए तू है, और इनको सत भक्ति करने दे, और जहाज के बाद मत ऐसी गुस्ताखी करना, दोनों कान पकड़ के हाथ जोड़ कर गया इंद्र। और उसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने यही अनजान साधनाएं छुड़वाई थी। गीता जी के मैं कहते हैं कि गीता जी में लिखा है कि जो जैसी भक्ति कर रहा है ना, अपने उस पूजा को छोड़ियो मत, अपने धर्म को छोड़ना नहीं, चाहे कोई कैसी भी कर रहा हो है, और दूसरे का धर्म नहीं स्वीकार करना चाहिए, जबकि उसका सीधा अर्थ बना है कि अपना जो अब गीता जी का ये श्लोक की आड़ लेते हैं, वो नादान संत कहते हैं, भगवान ने लिखा है गीता में कि कोई कैसी भक्ति करो, अपने धर्म को त्यागना नहीं चाहिए और दूसरे का धर्म तो भय देने वाला होता, अपने शास्त्र यानी घटिया साधना को त्यागियो मत, चाहे कोई व्रत रखता है, श्राद्ध निकाल ले, पत्र पूजा
चाहे मंदिर जा रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, चाहे व्रत रख रहा है, उनको मत त्यागना। दूसरे की बढ़िया भक्ति को देखकर अपनी नहीं त्यागना घटिया को, ये कोई बात हुई? ऐसा तो कोई नादान से नादान भी नहीं कह सकता। अगर यही कहना था कि तो जैसी भक्ति कर रहा तो करते रहो, तो भगवान ने इसे निर्मल शास्त्र के कहने की क्या आवश्यकता पड़ती। उन्होंने तो इसके विपरीत कहा है कि जो तो तीनों गुणों से ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर नीचे की पूजा करते हैं वो राक्षस स्वभाव के और मूर्ख मूड, ये साथ में जाएगा। पहले यही देखो, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, गीता इनका टीका किया, गीता तो ये ओरिजिनल है भाई। अब पहले मैं आपको ये दिखाता हूं, उसके बाद सातवां अध्याय दिखाऊंगा जब अच्छा जचेगा। अध्याय नंबर 3 का अर्शलोक नंबर 34 देखो, 35, ये 35 देखो इसका, यहां देखो संस्कृत को, श्रेयान स्वधर्म है, श्रेयान स्वधर्म है। वरना तो इसका यह बनना चाहिए था कि अपना जो धर्म, जो अच्छे गुण वाला, कहते हैं श्रेयान स्वधर्म है, वी गुण है पर धर्मात सवनुतिष्ठात तात, सवनु सवनुतिष्ठात। अब देखो, श्रेयान स्वधर्म है, वी गुण है, वी गुण है पर धर्मात सवनुतिष्ठात का सब, इसका अर्थ होता है सब अनु उत्तिष्ठात, उत्तिष्ठात का होता है सुनियोजित, अच्छी तरह उत्तिष्ठात माने बहुत अच्छी तरह सुनियोजित किया हुआ। श्रेयान स्वधर्म है, अपना धर्म यानी शास्त्र अनुकूल साधना गुरु देव द्वारा बताई गई वो श्रेयान है, वो बहुत अच्छी है। वी गुण है घटिया, गुण रहित जिसमें कोई भी गुण नहीं, शास्त्र विरुद्ध साधना जो करते हैं, गलत नामों का जाप करते हैं, तीर्थ व्रत भ्रमण आदि करते हैं, वो पर धर्मात दूसरों के अच्छे सुंदर लगने वाला, जैसे बहुत अच्छे गाने भी, बहुत अच्छे बजाने भी, सारे लग रहा है अच्छे, उनका बैठने उठने का तरीका भी है, पर है विगुण। विगुण माने शास्त्र रहित, घटिया साधना, दूसरे की घटिया साधना जे कितनी अच्छी हो, अपने शास्त्र अनुकूल साधना अच्छे, श्रेयान माने उत्तम है, स्वधर्माय, स्वधर्म है अपना जो धार्मिक शास्त्र अनुकूल साधना अच्छी है, दूसरों की गुण रहित साधना चाहे वह कितनी बढ़िया दिखे। स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में अपने धार्मिक भजन को करते हुए मर जाना धीरे धीरे, यानी चाहे उसी में प्राण आखिरी सांस तक उसी में लगे रहना अच्छा है, पर धर्म है भयावह। अब दूसरों का धर्म जो है वो भय देने वाला होता है, कौन सा, कि आपके मन में आएगी कहीं मैं, ये तो इतने व्यक्ति लाखों की संख्या में जाते हैं और कहीं मैं गलत ना कर रहा हूं, ऐसे भयभीत मत होना, विश्वास रखना अपने गीता पर। और ये क्या कहते हैं इसका अनुसरण अनुवाद देखिएगा, सब अनुतिष्ठा, सब अनुसिठात, सब नुसिठात, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए। उत्तिष्ठात का अर्थ होता है बहुत अच्छी तरह, सब अनुतिष्ठात, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए धर्मात, दूसरों के धर्म से ऐ है। जब कितना कितना कमाल कर दिया, सारा भाव बदल दिया, सारा ही समाज यहां से गुमराह हो गया। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से, गुण रहित अपना धर्म उत्तम है। गुण रहित, गुण रहित का क्या मतलब, जो कति जिसमें कोई भी लाभ ना हो। और फिर देखो, अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। ऐसे ही फिर अध्याय नंबर 18 के और श्लोक नंबर ये देखिएगा, सैतालीस में देखो, श्रेयान स्वधर्म है, वी गुण है पर धर्मात, वो जो कहते हो सवनुत्थात। ये आगे क्या लिखा, स्वभावनियतम, यहां देखना, स्वभावनियतम नियतम, नियतम कर्म कुरुवन ने अप्रोन, ने अप्रोन अप्रोन्ति किल्विषम,
कलबस होते हैं, पाप कर्म नहीं लगते। किनको? जो नियमित काम कर, जो शास्त्र अनुकूल साधना करते हैं उनको पाप नहीं लगते, और जो शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं। श्रेयान सौधर्म है, अपना ये शास्त्र अनुकूल साधना बहुत अच्छी है। वी गुण पर धर्मात, ये सब अनुषितात, ये दूसरे की अच्छे सुनियोजित अच्छा दिखने वाला पर गुण रहित शास्त्र विरुद्ध वो उन धर्म थे उस पूजा थे था, अपनी धार्मिक पूजा इस बिल्कुल नियमानुसार करने वाली बहुत अच्छी है, उसको पाप नहीं लगते। और जो ऐसा नहीं करते उनको पाप लगते हैं, गलत साधना करें। इन्होंने उल्टी कर दी, अच्छी प्रकार आसन में लाए हुए सब अनुष्ठितात, अच्छी प्रकार आसन में लाए हुए पर धर्मा दूसरों के धर्म से गुण रहित, अपना गुण रहित, गुण रहित भी अपना श्रेष्ठ, अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत, अपना धर्म श्रेष्ठ है क्योंकि स्वभाव, स्वभाव नियतम, स्वभाव से नियत किए हुए। क्या लिखा है? कर्म यानी स्व धर्म रूप कर्मों को करता हुआ पाप को नहीं प्राप्त होता। अब इसका वास्तविक अर्थ ये बना है, सो यहां देखिएगा वापस, ये श्लोक नंबर 46 देखिए नीचे, ये 47 है वही 18 नंबर अध्याय का, इसका सीधा अर्थ बना है। श्रेयान स्वधर्म है, अपना शास्त्र अनुकूल साधना बहुत अच्छी है। वी गुण घटिया पर धर्मात, जो दूसरों की धार्मिक पूजाएं हैं जो शास्त्र अनुकूल नहीं है, और वो चाहे कितनी ही सब नुष्ठितात हो, सब नो स्थितात का अर्थ होता है बहुत अच्छी सुनियोजित बहुत बढ़िया दिखने वाली। अब क्या लिखा कि स्वभाव नियतम, स्वभाव माने अपनी मर्जी से नियत करके, यानी अपनी मर्जी से सिलेक्ट करके अपने हिसाब से, जो कोई व्रत करता है, कोई किस कैसा है मंत्र दे रहा है, कहते हैं वो ऐसे मत करो, न कुरुवन कर्म, वो ऐसे अपने मर्जी से स्वभाव से नियत करके निश्चय करके कोई कर्म मत करो, आपनोति कृष्ण उससे तुम प्राप्त को प्राप्त होगे, इसका सीधा अर्थ बने हैं। और इन्होंने उल्टा कर दिया कि अपना जो अच्छी प्रकार आचरण में लाई हुई है, दूसरों के गुण रहित, दूसरों के धर्म से गुण रहित, अपना अपना लिख दिया गुण रहित घटिया भी अपना धर्म श्रेष्ठ है क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए, स्वभाव से मैंने अपनी मर्जी से कोई पूजा कर रहा है, सब धर्म रूप कर्मों को करता हुआ पाप को नहीं प्राप्त होता। इसका अर्थ है कि वो पाप को प्राप्त होते हैं जो अपनी मर्जी का सब अपने स्वभाव से नियतम, अपनी मर्जी के आचरण करने वाले वो तो पाप को प्राप्त होते हैं, दूसरों की घटिया साधना को देखकर अपने शास्त्र अनुकूल साधना वो धार्मिक कर्म बहुत अच्छे हैं। और स्वभाव नियतम, अपनी मर्जी से कोई भी कर रहे हो, न कुरुवन कर्म, ऐसे कर्म मत करो, धार्मिक कर्म ना करो अपनी मर्जी ते, आपनोति कृष्णम किल्बसम, किल्बस का अर्थ होता है तुम्हें पाप लग जाएंगे। अगर ऐसा ही लिखना था भगवान ने कि मनमर्जी से कुछ भी करो, फिर गीता जी की आवश्यकता पड़ी बोलने की? अब देखो भक्तात्मा, यहां से ये सारा भक्त समाज इन अनजान संतों के ट्रांसलेशन थे और सारी भक्ति बोर्ड खागी। संस्कृत किसी को आवे नहीं थी, हिंदी का अनुवाद जैसा भी मिल गया हमारे समाज में हजारों सैकड़ों वर्षों से इसी को लगे हुए हैं, कहते हैं गीता जी में लिखा है कोई कैसी भक्ति करो उसको, अपने मन मर्जी से करते रहो, दूसरों के अच्छे गुण विगुण अपने तो विगुण घटिया करते रहना, दूसरे की अच्छी मत स्वीकार करना जो शास्त्र अनुकूल हो, कोई बात ही लिखा ऐसा है कि अपनी शास्त्र अनुकूल साधना को जो बिल्कुल सही है शास्त्र अनुकूल उसको मत त्यागना दूसरों की घटिया ने देख कर। इन अनजान टीकाकारों ने सारे भक्त समाज को गलत दिशा दे दी, अनर्थ कर दिया। अगर ऐसा ही लिखना था भगवान ने तो फिर यहाँ क्यों, क्या जरूरत थी लिखने की इस 16वें अध्याय के अंदर के अर्जुन तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है, अध्याय नंबर 16 का और श्लोक नंबर देखिए
23 और 24। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है और न परम गति को और न ही सुख को। बताओ यह घटिया साधना करने वाले को तो कोई भी लाभ कोई न विगुण को। और इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य अवस्था में कर्मों के कार्य कर्तव्य और अकर्तव्य के काम शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य हैं। अब बताओ अगर ऐसा नहीं लिखना था भगवान ने ऐसा ही दो बातें लिख देनी थी तो बस एक लाइन लिख देते और कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती गीता जी की, और कह देते कि जो कर रहा है से करते रहो बस। तो यहां ये बात बिगड़ी हुई है। अब ये सच्चाई कड़वी अवश्य लगेगी एक बार लगेगी लेकिन आजीवन सुख होगा। अब अगर ऐसा ही करना था भगवान ने तो गीता के 7वें अध्याय के अंदर पूरा प्रमाण दिया है कि इन तीनों गुणों के द्वारा ये जीव उड़ जा हुआ है क्योंकि उल्टी साधना कर रहे हो तुम, उल्टा पौधा लगा रखा है। तो इसलिए ये पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो जब छुटकारा होगा। अप्रसंग चल रहा है धर्मदास जी का। धर्मदास जी को कबीर साहब बता रहे हैं कि तुम जो पूजा कर रहे हो ये काल की है। कबीर साहब एकदम कहा उसको कि तुम व्रत करते हो और ये व्रत करते करते प्राणी मर जाते हैं, इनको कोई लाभ नहीं हो पाता। और गीता जी में मना किया हुआ कि 6वें अध्याय के 16वें श्लोक में ये व्रत ठीक नहीं। धर्मदास जी कहता है कि मैं शालिग्राम की पूजा करता हूं और शिवलिंग की पूजा करता हूं। कबीर साहब ने कहा कि मूर्ति में भगवान नहीं है। धर्मदास मूर्ति तो एक इशारा करती है उस चीज कोई, जैसे हमारे पास सेब की मूर्ति है, ये सेब रखा है, ये प्लास्टिक का है बिल्कुल, और ये दिखाई दे रहा है तो एकदम ऐसा लगे जैसे ये प्राप्त करने दिल करे इसको खाने को जी चावे। तो ये कैसे मिले? ये तो मूर्ति केवल एक सेंटिमेंटल का काम करती है, प्रेरणा करती है कि यह बहुत अच्छी चीज है, सेब देखते दिल करे जैसे सेब खा लूं, पर इसमें वो सेब वाले गुण तो नहीं है। ऐसे ही प्रभु की मूर्ति, चाहे आप किसी भी प्रभु की उपासना कर रहे हो, वैसे तो उपासना पता चल जाएगा समाज भगत समाज को कि कौन सी करनी है, फिर भी ये मूर्ति जो है प्रतीक है, केवल याद दिला उसके गुणों को। लेकिन मूर्ति पर ही तिलक लगाना, मूर्ति को लगे रहना, फिर ये काहे की पूजा हुई? ये पूजा नहीं करनी मूर्ति की। मूर्ति रखनी अवश्य अपने घर पर अपने इष्ट की गुरुदेव की, उनको देखते उनके गुणों का ज्ञान आवे और याद आवर फिर उसको भजन करने को दिल करे। ऐसे ये मूर्ति बिल्कुल नकारा नहीं है लेकिन पूजा गलत है, आदरणीय है, पूजनीय मूर्ति नहीं है। तो धर्मदास जी से कहा, धर्मदास यदि मूर्ति में प्रभु है, आप, धर्मदास जी कहता मैं सुबह सुबह 5 मंदिरों में गया हूं और फिर आके स्नान किया, फिर ये पूजा प्रारंभ की मैंने। कबीर साहब ने कहा, धर्मदास जी एक बात बताओ, आप एक कूप पर गए, कूप माने वेल कुआ, और किस लिए गए? पानी पीने के लिए। यदि उस प्रथम कुएं में पानी मिल जावे क्या दूसरे कुएं पर जाओगे आप? धर्मदास कहने लगा नहीं जी, दूसरे पर कौन जावे भगत जी, फिर आप तभी दूसरे कुएं पर जाओगे जब पहले कुएं पर पानी नहीं मिला, फिर तीसरे पर जाओगे, फिर चौथे पर जाओगे, फिर पांचवें पर जाओगे क्योंकि आपको प्यास है। ऐसे ही आप जब प्रथम कुएं पर गए उसमें पानी नहीं था, प्रथम मंदिर में गए उसमें भगवान नहीं था, इसलिए आपने दूसरे में जाना पड़ा, और ऐसे ही आप पांचों में घूम कर खाली आ गए, आपकी प्यास नहीं बुझी। ये तो फिर क्या जरूरत थी कर्म कांड करने की, क्या जरूरत थी गीता के पाठ करने की? जब भगवान आपका उसमें होता तो जरूर आवश्यकता ही नहीं थी। ऐसे ही प्रभु मिलेगा जैसे हम बताएंगे, और शरीर के अंदर आपको उसके दर्शन होंगे, साक्षात दर्शन होंगे, प्रकाश प्रकोषणी प्रकाश, जैसे बल्लभ है, प्रकाश बल्लभ का होया तो बल्लभ आकार है, प्रकाश निराकार हुआ। ऐसे अभी तक ना तो व्याख्या ढंग से प्राप्त हुई हमें, कैसा भगवान प्रकाश है तो उसका प्रभु का है, प्रभु आकार है, वेद बतावे, पवित्र वेद बतावे और पवित्र बाइबल बतावे
और पवित्र कुरान शरीफ बतावे, और कबीर परमेश्वर के गुण स्वयं आकर के उन्होंने बताए और उनके आंखों देखे संत बतावे। जैसे अभी आपने रामानंद जी का प्रकरण सुना था, और अब धर्मदास जी बतावेगा जब ये आंखों देखेगा कि ये कबीर परमेश्वर जुल्हा काशी वाला यही भगवान है। तो धर्मदास जी ने बड़ी बात महसूस हुई और सोचने लगे ये तो नास्तिक टकरा गया सुबह सुबह, इससे तो हाथ जोड़ लो बढ़िया रहे। कहने लगे महाराज जी आप तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको ज्ञान ही नहीं, धर्मदास कहता कबीर परमेश्वर ने, और आपकी बात मुझे अच्छी नहीं लग रही, आप तो नास्तिकता की बात सुबह सुबह कर रहे हो। तो कबीर साहब एकदम अंतर ध्यान हो जाते हैं, उनके सामने से दिखाई नहीं दिए धर्मदास को, और धर्मदास ने देखा कि ये महात्मा कहाँ गया, ये भगत जी एकदम ऐसे भौचक्का रह जाते हैं और मन में सोचते हैं ये जरूर कोई देव पुरुष था और तूने गलती कर दी। देख बात तो बहुत सत सत बता रही थी, पर मेरा जो पुराना ज्ञान था ये मुझे स्वीकार नहीं होने दे रहा था, और बहुत दुख पाया कि ये मैंने ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और सुननी चाहिए थी इनसे बातें, और सुननी चाहिए थी। नेक्स्ट डे अगले दिन धर्मदास जी ने इसी प्रकार अपना वो एक स्थान मड प्लस्टर किया, यानी लीपा, उसको लिपाई की गाय के गोबर और मिट्टी मिलाकर, और उसके ऊपर अपना पहले पूजा पाठ की, पूजा पाठ करके फिर रोटी बनाने लग गया। एक चूल्हा डाल के और चूल्हे में लकड़ी लगा दी, एक मोटी लकड़ी थी, बीच में थोथी थी, होलो थी वह, और उसके साथ कुछ सहयोगी लकड़ी लगा रखी थी, और अपना खाना बनाने लगा। अब खाना बनाते बनाते जब खाना बिल्कुल तैयार हो गया भोजन, लकड़ी जलते जलते चूल्हे के उसका एंड लास्ट जो एंड था पिछला हिस्सा और चूल्हे के पास पहुंच गया, और उसमें देखा धर्मदास जी ने कि उसके अंदर से चीटियां निकल रही हैं उस थोथी लकड़ी में, ओलो था थी वह लकड़ी, वो उसमें से बहुत ज्यादा चीटियां, ये काली काली कीड़ी आंट, अंग्रेजी में आंट कहते हैं उन्हें, वो निकल रही है, मुख में अंडे ले रखे, और उस लकड़ी के पिछले हिस्से पर एक तरल पदार्थ जैसे वाटर बॉयल होया करे, ऐसे पानी जैसे उबला करे, ऐसे कुछ तरल पदार्थ उस लकड़ी के पिछले हिस्से पर ऐसे वो उबल रहा था, और वो चींटियां उसमें गिर गिर कर मर रही थी, बाहर निकलने की चेष्टा भी कर रही थी, और कुछ अंदर लकड़ी के अंदर जल गई थी। धर्मदास जी ने जो देखा, ओहो आज तो मैंने जुल्म कर दिया, इतना अनर्थ है प्रभु, ना जाने कितने चीटियां होंगी इसमें अरबों और खरबों की संख्या में, ये परमात्मा आज कौन बड़ी मेरे साथ, आंखों में पानी आ गया, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति ही प्रभु की तलाश किया करते हैं, इनमें पिछले जन्म जन्मों की भक्ति प्रभाव से ये विनम्र होया करते हैं। आत्मा रोने लगी और सोचा कि आज इस भोजन को मैं नहीं खाऊंगा, इसको किसी संत को खिला दूंगा, मैं पापरहित हो जाऊंगा। उठा के सारी बात को, सारे भोजन को रख के थाली में, और किसी संत की तलाश में चल पड़ा। वही कबीर परमेश्वर अन्य रूप बना के, एक साधु जैसी वेशभूषा बना के, और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। धर्मदास जी की दृष्टि पड़ी कि संत बैठा है। धर्मदास जी ने जाके चरणों में वो थाल रख दिया, भोजन बढ़िया बनाया, और कहा हे महाराज जी भोजन पाओ, आपको भूख लगी होगी। कबीर साहब बोले हाँ भाई बच्चा भूख लगी है, बड़ा अच्छा किया आपने, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी थी बच्चा। धर्मदास जी ने भोजन रख दिया, और कबीर साहब ने अपने लोटे में था पानी उठा के, एक जल उठा करके थोड़ा चलो आसमन, और ऐसे सारी बात के ऊपर को छिड़क दिया। लीला थी दाता की, इतने में सारी की सारी बात की चीटी बन गई, आंट बन गई, वह काली काली कीड़ियां बन गई, और सारी थाली काली होगी। अब धर्मदास के मुख की तरफ देखा जब कबीर परमेश्वर ने, और वही अपना स्वरूप बना लिया कबीर परमेश्वर ने, जो पहले दिन वार्ता हुई थी जिंदा वाले रूप में, जिंदा महात्मा वाले रूप में। और जब कहा धर्मदास आप क्या कह रहे थे,
कल क्या कहा था आपने कि हम कोई पाप नहीं करते, हम तो वैष्णव वैरागी हैं, हम छोटी जाति वाले के नजदीक भी ना जाते, हम तो जीव हिंसा नहीं करते। अरे तेरे तो कसाई भी अच्छा, धर्मदास ने जुलम कर दिया, चरणों में गिर गया। धर्मदास रो है, कहता दाता मेरे से गलती होगी, मैंने कल आपसे बहुत बात विवाद किया, अक्षमा करना मालिक, मैंने तो आपको एक साधारण भगत जाना था। ये दाता मेरी बुद्धि कमजोर है, मैंने आपके साथ बहुत अभद्र व्यवहार भी कर दिया था अंत में। कबीर साहब बोले कोई बात ना बच्चा। तब कबीर साहब ने उसको सारी सृष्टि रचना सुनाई, क्या सुनाया, पूरी सारी सृष्टि रचना के धर्मदास सुन तुझे बताता हूं ये संसार ये कैसे रचा गया। अब सबसे पहले हमने सृष्टि रचना का सही ज्ञान होना चाहिए। तो अब दास आपको सृष्टि रचना बताना चाहेगा। सर्वप्रथम केवल एक ही प्रभु था, उसका नाम कबीर है। वास्तविक नाम उस परमात्मा का कबीर है, वो अनामी लोक में अकेल लोक में रहता था और वहीं पर हम सब जीव उसी परमेश्वर कबीर में समाये हुए थे। उसके बाद उस परमात्मा ने स्वयं प्रकट होकर अर्थात अपने उस अनामी लोक में स्वयं ही तीन नीचे के लोकों की ओर रचना की, अगम लोक, फिर अलख लोक और नीचे का सतलोक। फिर सतलोक में आकर के उस परमेश्वर ने अन्य रचना की। सर्वप्रथम एक शब्द से 16 द्वीपों की रचना की, उसके बाद 16 शब्द फिर उच्चारण किए, उनसे अपने 16 पुत्रों का निर्माण किया, उनकी शब्द से उत्पत्ति की वचन से, और उनको उन 16 द्वीपों में रहने की आज्ञा दी। उनमें से एक पुत्र अचिंत को उस सत पुरुष ने, क्योंकि सतलोक में उपमात्मक नाम उसी कबीर परमेश्वर का सत पुरुष भी अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, शब्द स्वरूपी राम, अकाल मूरत, पूर्ण ब्रह्म, ये उनके उपमात्मक नाम है और वास्तविक नाम उस परमेश्वर का कबीर है। सतलोक के अंदर सत पुरुष ने अपने पुत्र अचिंत से कहा कि आप यहां की अन्य सृष्टि रचना को करो मेरी शक्ति तक। अचिंत ने अपनी सब शक्ति से अक्षर पुरुष परब्रह्म की उत्पत्ति की और उससे कहा कि मेरा सहयोग दो यहां सतलोक में अन्य सृष्टि रचना करने का। अक्षर पुरुष अर्थात ये परब्रह्म एक सतलोक में बने हुए मान सरोवर में, उसके अंदर अमृत जल है, सतलोक के अंदर जल अमृत है, उस अमृत सरोवर में प्रवेश कर गए और वहां आनंद से विश्राम करने लगे। अक्षर पुरुष को निद्रा आ गई, सतलोक के अंदर श्वासों से शरीर नहीं है, काफी समय तक सोते रहे। तब सतपुरुष ने अपनी सब शक्ति से एक अंडा, जल अमृत तत्व से एक अंडा बनाया और उसमें एक आत्मा प्रवेश की, उस आत्मा समेत उस अंडे को उस जल में डाला, अमृत सरोवर में, उस मान सरोवर में। वो अंडा गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे जा रहा है तो अक्षर पुरुष
अर्थात इस पार ब्रह्म की निद्रा भंग हुई। जब ही कोई अधूरी निद्रा से जागता है उसके अंदर कुछ कोप होता है। अज्जो ही उसने अपने कोप सहित दृष्टि से देखा कि मेरी निद्रा किसने भंग कर दी, तब उसका वो कोप उस अंडे पर पड़ा। अंडा दो भाग हो गया, उसमें से ये ब्रह्म निकला सर्वपुरुष। ब्रह्म अर्थात सर्वपुरुष, इसी को ज्योत स्वरूपी निरंजन, वास्तव में इसका नाम कैल है, कैल। और यही आगे चल के काल कहा, ये आने वाले इसी विवरण में आपको ज्ञान होगा। आकाशवाणी सतपुरुष ने की कि तुम दोनों बाहर आओ, अक्षर पुरुष तुम निंद्रा में थे और आपके बिना यहां सृष्टि नहीं रची जा रही थी, तुम दोनों बाहर आओ और तुम्हें जगाने के लिए सारी क्रिया की गई और तुम दोनों के दोनों अचिंत के लोक में रहो, ऐसे आदेश प्रभु का पाक है। वे दोनों के दोनों अचिंत के लोक में रहने लगे काफी समय तक। उसके बाद हम सभी की उत्पत्ति कबीर परमेश्वर ने, उसी सतपुरुष ने अपने सबद शक्ति से हम सबकी उत्पत्ति वहां पर की। कुछ दिनों के बाद इस क्षर पुरुष के अर्थात ब्रह्म के मन में एक खरपतवार उपजा। इसके मन में ये आया कि मैं अपना अलग से राज्य बनाऊं, मेरे अन्य भाई सब एक एक द्वीप में रहते हैं और हम दो यानी अचिंत और ब्रह्म और साथ में ये अक्षर पुरुष पर ब्रह्म भी, हम एक ही द्वीप में रह रहे हैं, मैं अपना अलग राज्य चाहूंगा। इस उद्देश्य से ब्रह्म ने, क्षर पुरुष ने, ज्योत स्वरूपी निरंजन ने 70 युग तक अलग से एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या की। जब ये तपस्या कर रहा था, हम ये सभी आत्माएं जो आज काल के लोक में दुख पा रहे हैं, चाहे आज कोई देव बना है, चाहे कोई महादेव बना है, चाहे आज कोई शुक्र बना है, चाहे कोई गधा बना है, चाहे कोई राजा बना है, चाहे कोई रंक बना है, पशु या पक्षी बना हुआ है, ये सभी की सभी आत्माएं हम इस काल के ऊपर अर्थात इस ब्रह्म के ऊपर आसक्त हो गए और यही बीमारी आज हमारे अंदर विद्यमान है। यही प्रक्रिया, जैसे ये नादान बच्चे किसी हीरो और हीरोइन को देख कर उसकी अदाओं के ऊपर इतने आसक्त होते हैं, हो जाते हैं कि वो अगर आसपास कहीं किसी शहर में वो हीरो, वो अभिनेता या अभिनेत्री आ जावे लाखों की संख्या में, उनके दर्शनार्थ भीड़ उमड़ जावे और लेना एक न देने दो, कुछ मिलना नहीं उससे, ऐसी हमारी वृत्ति वहां बिगड़ी थी सतलोक में। हम वहां रहा करते थे अपने पिता के पास, कोई दुख नहीं था, कोई मृत्यु नहीं थी, हमारे परिवार थे, हम प्यार से रहा करते थे, लेकिन वहां हम अपने पति भर्ता पद से गिर गए, अपने मूल मालिक उस पूर्ण ब्रह्म जो सर्व सुखदायक, सुखदायी सदा सहाय आत्मा का आधार वास्तव में भगवान है, जो जीव को दुखी नहीं करता, जन्म मरण के कष्ट में नहीं डालता, कुत्ते और गधे नहीं बनाता, उसको छोड़कर और हम इस काल यानी ब्रह्म के ऊपर आसक्त होगी। जब इसने 70 युग तप कर लिया, तब पूर्ण परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने, सतपुरुष ने पूछा भी क्या चाहता है तू काल, कैल क्या चाहता है ब्रह्म, तू क्या चाहता है। तब इस ज्योत स्वरूपी नरेंद्र ने कहा कि पिताजी, ये स्थान जहां मैं रह रहा हूं ये कम है, मुझे अलग से राज्य दो। तब उस पूर्ण ब्रह्म ने इस ब्रह्म के तप के बदले में
21 ब्रह्मांड प्रदान कर दिए, जैसे 21 प्लॉट दे देवे कोई साहूकार पिता अपने पुत्र को। 21 ब्रह्मांडों को पाकर ये ज्योत निरंजन बड़ा प्रसन्न हुआ। कुछ दिनों के बाद इसके मन में आया कि इसमें कोई अन्य रचना करूं, उसके लिए कुछ समान पिताजी से मांगू। इसने 70 युग तप फिर किया। तब सतपुरुष ने पूछा कि आप क्या चाहते हो, आपको 21 ब्रह्मांड प्रदान कर दिए। तब इस ब्रह्म ने कहा कि पिताजी इसमें कुछ रचना करना चाहता हूं, कृपा रचना करने की सामग्री दीजिए। सतपुरुष ने इस ब्रह्म को 5 तत्व और 3 गुण प्रदान कर दिए। इसके बाद इसने सोचा कि ब्रह्म ने सोचा कि इसमें जीव भी हो, मेरा अकेले का मन नहीं लगता। इस उद्देश्य से 64 युग तप फिर किया। तब सतपुरुष ने पूछा कि क्या चाहता है ज्योत निरंजन, अब तो तुझे मैंने जो मांगा सो दे दिया। तब ब्रह्म ने कहा पिताजी कृपा मुझे जीव प्रदान करो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता है, उसमें पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष कबीर परमेश्वर ने कहा कि ज्योत निरंजन तेरे तप के बदले में राज्य दे सकता हूं और ब्रह्मांड चाहिए वो दे सकता हूं, परंतु ये अपनी प्यारी आत्मा अपना अंश नहीं दूंगा तुझे। ये तो तेरे किसी भी क्रिया धर्म धार्मिक क्रिया से तप से किसी भी जप से नहीं दूंगा। हाँ यदि वो स्वयं कोई जाना चाहता है अब सब इच्छा से, कोई हंस आत्मा कोई भक्त आत्मा, तो मैं स्वीकृति दे सकता हूं, नहीं तो मैं अपनी इच्छा से नहीं कहूंगा ये मैं नहीं दे सकता। इस बात को सुनकर ये ब्रह्म क्षर पुरुष ज्योत स्वरूपी निरंजन अर्थात जो भविष्य में फिर काल कहलाया हमारे पास आया। आज हम जितने भी ये दुखी आत्मा इस काल के 21 ब्रह्मांड में पीड़ित हैं, हमारे पास ये ब्रह्म आया और हमसे कहा कि मैं वहां अलग से ब्रह्मांड लिए हैं मेरे पिताजी से अपने तप के बदले में, वहां ऐसे स्वर्ग बनाऊंगा महास्वर्ग बनाऊंगा और ऐसे दूधों की नदी बहाऊंगा झरने बनाऊंगा, क्या आप मेरे साथ चलना चाहते हो। तब हम सभी ने जो यहां काल के 21 ब्रह्मांडों में पीड़ित है कहा कि यदि पिताजी हमें आज्ञा दें तो हम चलने को तैयार हैं। इस बात को सुनकर ज्योत स्वरूपी निरंजन कबीर परमात्मा के पास आया और उससे कहा कि पिताजी कुछ आत्माएं हमारे साथ चलने को तैयार हैं। सतपुरुष से कहा इस काल ने ब्रह्म ने कि पिताजी कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार हैं, उन्होंने सहमति दी है। तब पूर्ण परमात्मा सतपुरुष अर्थात कबीर देव ने कबीर साहिब ने कहा कि यदि वो मेरे सामने स्वीकृति देंगी जितनी भी आत्माएं हैं जो तेरे साथ जाना चाहते हैं तो मैं उनको आज्ञा दे दूंगा। ऐसा कहकर के सतपुरुष हम सभी आत्माओं के पास आया जो आज काल के लोक में कैद में बंद हैं। सतपुरुष ने उस अकाल मूर्त ने शब्द स्वरूपी राम ने हमसे पूछा कि जो आत्मा इस ब्रह्म के साथ जाना चाहती हैं वो अपनी सहमति व्यक्त करें। उस समय हम सभी घबरा गए
और नई हिम्मत पड़ी अपने पिता के सामने स्वीकृति देने की। उस समय एक आत्मा ने सर्वप्रथम हिम्मत किया, डेयर किया और कहा कि पिताजी मैं इस ब्रह्म के साथ जाना चाहता हूं। उसकी देखा देखी फिर हम सभी ने स्वीकृति दे दी। और जितनी भी आत्माएं उसमें स्वीकृति दी थी सभी कबीर साहब ने उनके नंबर नोट किए और जिसने सर्वप्रथम सहमति दी थी उस आत्मा का भी नंबर नोट किया और ब्रह्म से कहा कि ब्रह्म आप जाओ अपने लोक में, अब इन सभी आत्माओं को मैं विधिवत तेरे लोक में भेजूंगा। ऐसा कहकर के सतपुरुष ने अपनी सब शक्ति तय उस प्रथम स्वीकृति देने वाली आत्मा को एक लड़की का रूप बना दिया और उसको उसके अंदर एक शब्द शक्ति दे दी और हम सभी जीव आत्माओं को उसे प्रकृति देवी भी कहते हैं, अष्टंगी भी कहते हैं और वही महामाया भी कहलाई यहां 21 ब्रह्मांड की। इस देवी को उत्पन्न किया अर्थात उस आत्मा का लड़की बनाया, फिर हम सभी आत्माओं को जो 21 ब्रह्मांड में आए हुए हैं उसके अंदर प्रवेश कर दिया इस लड़की के शरीर में, प्रकृति देवी के शरीर में अर्थात इसको अद्धा माया भी कहते हैं और यही आगे चलकर त्रिदेवों की माता कहलाई। प्रवेश कर दिया और कहा कि बेटी तेरे को मैंने सबल शक्ति दे दी है और जितने भी जीव काल कहे ब्रह्म कहेगा तू बना देना, एक बार मुख से उच्चारण करेगी उतने ही नर और मादा ये जोड़े उत्पन्न हो जाएंगे। अपने पुत्र सहजदास से कहा सहजदास जाओ अपनी बहन को उस ज्योत स्वरूपी निरंजन के पास छोड़ आओ और उसको बताना कि इस लड़की को, इस प्रकृति देवी को, अद्धा माया को मैंने सबल शक्ति दी है, ये जितने जीव तू कहेगा ये बना देगी और जितनी आत्माओं ने स्वीकृति दी थी वो सभी इसके अंदर प्रवेश कर रखी हैं। सहजदास प्रकृति देवी को लेकर, अध्या माया को लेकर ज्योत निरंजन के पास आया, उसके पास छोड़ दिया और कहा कि पिताजी ने ऐसे ऐसे कहा है इस लड़की के पास सब शक्ति है और जितने जीव तू कहेगा ये नर और मादा अपने शब्द से उत्पन्न कर देगी। ऐसा कह करके सहजदास अपने लोक में लौट आया, अपने द्वीप में आ गया। युवा होने के कारण लड़की का रूप निखरा हुआ था, इस ज्योत स्वरूप निरंजन ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष के मन में नीचता उत्पन्न हुई, जिस जो आज सब जीवों में विद्यमान है वही व्यक्ति, वही प्रक्रिया, वही ये बुरी आदत युवा लड़की को देखकर उसके साथ बदव्यवहार करने की चेष्टा इस क्षर पुरुष ने अर्थात ज्योत स्वरूपी निरंजन ने की। लड़की ने, प्रकृति देवी ने कहा कि ज्योत निरंजन तू होश में आ जा, तू और मैं एक ही पिता की संतान है, पहले तेरी उत्पत्ति हुई उन्हीं के शब्द तय अंडे में और उन्हीं ने मुझे उत्पन्न किया, तू और मैं बहन और भाई हैं, बहन भाई का ये कर्म पाप का भागी होता है, तू मान जा मेरी बात। ज्योत निरंजन ने एक भी बात उस लड़की की नहीं सुनी और मदहोश होकर, विषय वासना के वश होकर, काम वश होकर उस लड़की को पकड़ने की चेष्टा की दुष्कर्म करने के लिए। लड़की ने अपनी इज्जत बचाने का और कहीं स्थान ना पाकर जो ही उस काल ने, ज्योत स्वरूपी निरंजन ने, क्षर पुरुष ने ऐसे मुंह खोला हुआ था
आलिंगन करने के लिए ऐसे बाजू फैलाई थी, उसी समय लड़की ने छोटा रूप बनाया, सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म, और उसके पेट में चली गई अपनी इज्जत रक्षा के लिए। वहां से अपने पिता से पुकार की, हे परम पिता, हे सतपुरुष, हे कबीर परमेश्वर, मेरी रक्षा करो। है इस प्रकार मैं काल से अपनी इज्जत रक्षा के लिए, इस ब्रह्म से अपनी इज्जत रक्षा के लिए इसके पेट में प्रवेश हूं और मुझे आकर मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ इससे। उसी समय कबीर परमेश्वर ने अपना ही दूसरा रूप अपने पुत्र योग संतायन अर्थात योग जीत, उसे जोग जीत भी कहते हैं, योग जीत का रूप बनाकर काल के 21 ब्रह्मंडों में प्रकट हुए और कहा कि ज्योत स्वरूपी निरंजन, तूने जुल्म कर दिया, आपने ये ऐसा जुल्म कर दिया, ऐसे कर्म करने वाले पाप आत्मा को इस सच्चे लोक में ये श्राप, ये कर्म, ये पाप लगता है कि 1,00,000 जीवों का, मनुष्य शरीरधारी जीवों का रोज आहार करेगा और 1,25,000 की उत्पत्ति करेगा। पिताजी ने आदेश दिया है मुझे कि आप यहां से निकल जाइए अपने 21 ब्रह्मंड को लेकर, और लड़की को उसके पेट से निकाल दिया, प्रकृति देवी को इस ब्रह्म के पेट से निकाल दिया और उनको 21 ब्रह्मंड समेत और दोनों को वहां से निष्कासित कर दिया और कहा कि प्रकृति तूने स्वयं अपने पैर पर कवाड़ा मारा है, अपने पिता से दूर होगी तू, अब इसकी सजा तू ही पावेगी, और जाओ यहां से 21 ब्रह्मंड लेकर आप चले जाओ। इतना कहते ही 21 ब्रह्मंड वायु यान की तरह वहां से चल पड़ा और वहां से सतलोक से 16 संख कोश की दूरी पर नील पद्म संख यानी 16 संख कोश की दूरी पर ये 21 ब्रह्मंड आकर के स्थिर कर दिए कबीर परमेश्वर ने अपनी शक्ति से। अब इस ज्योत स्वरूपी निरंजन के मन में फिर यही निष्ठा फिर उठी और कहा कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, अब मैं मनमाना करूंगा। उस लड़की ने, प्रकृति देवी ने फिर प्रार्थना की कि ज्योत निरंजन अब भी तू मान जा, पहले तो आप और मैं एक ही पिता की संतान है और दूसरे मैं तेरे पेट से होकर आई हूं, ये कर्म अब मैं तेरी बेटी बन गई, प्रथम तो बहन और भाई का ये पाप कर्म महापाप का कारण और दूसरे मैं तेरी बेटी हुई, आपके पेट तक होकर आई और बाप बेटी का ये जुल्म अच्छा नहीं, मान जा मेरी बात, मेरे पास सब शक्ति है पिताजी की दी हुई और जितने जीव तू कहेगा मैं बना दूंगी। लेकिन इस ज्योत स्वरूपी निरंजन ने एक भी बात नहीं सुनी उस प्रकृति देवी की, दुर्गा की, जबरदस्ती शादी की और एक ब्रह्मंड में एक ऐसा स्थान बना रखा है इस काल भगवान ने, ब्रह्म भगवान ने, वहां पर ब्रह्म लोक कहते हैं उसको, उस ब्रह्म लोक के अंदर इसने 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान, एक सतोगुण प्रधान और एक तमोगुण प्रधान। जब ये सतोगुण रजोगुण प्रभावित क्षेत्र में इस दुर्गा को अपनी पत्नी के रूप में रखता हुआ वहां रहता है, उस समय जो पुत्र की उत्पत्ति होती है उसका नाम ब्रह्मा रख देता है, उसको रजोगुण बना देता है। उसके बाद ये दोनों उस स्थान पर आ जाते हैं जो सतोगुण प्रभावित होता है, वहां पर जो पुत्र उत्पन्न होता है उसके अंदर सतोगुण आ जाते हैं, उसके अंदर सतोगुण आ जाते हैं
और उसका नाम ये विष्णु रखते हैं। तीसरे स्थान को तमोगुण प्रभावित बना रखा है, वहां रहकर इसी प्रकृति देवी दुर्गा के साथ जो पुत्र उत्पन्न करता है उसका नाम रुद्र शंकर शिव रखता है। ऐसे ही हर ब्रह्मांड के अंदर इस काल भगवान ने, ब्रह्म भगवान ने ये ब्रह्म लोक बनाए हैं और वहां पर ये ऐसे ही कुछ समय के लिए प्रकृति देवी को अपने साथ रखता है और उसके बाद वहां से अंतर्ध्यान हो जाता है। अब जब इसने इस लड़की को, प्रकृति देवी को बदनजर से देखा था और ये लड़की प्रकृति देवी ने इसके पेट में शरण पाई थी, ज्योत निरंजन के पेट में, और फिर सतपुरुष ने अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना करके आकर उसको निकाला था, उस दिन से इसका नाम काल पड़ा। कहा था कि आज से तेरा नाम काल होगा और 1,00,000 जीवों का, मनुष्य शरीरधारी प्राणियों का रोज आहार करेगा और 1,25,000 की उत्पत्ति किया करेगा। ये वहां पर सतलोक के अंदर ऐसा दुष्कर्म करने वाले को स्वतः पाप लग जाता है। अब ज्योत स्वरूपी निरंजन काल ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं ऐसे स्थान पर रहूंगा जहां पर कोई नहीं आ सकता और आज के बाद मैं किसी भी 20 ब्रह्मांड के अंदर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्राणी को आकार रूप में दर्शन नहीं दूंगा, मुझे निराकार समझा करेंगे लेकिन मैं अपने वास्तविक रूप, काल रूप में, अपने 21वें ब्रह्मांड में रहा करूंगा। वहां पर कोई नहीं आ सकता, ना ब्रह्मा आ सकता, ना विष्णु आ सकता, ना शिव आ सकता और ना ही कोई वेदों में के अनुसार साधना करने वाले साधक आ सकते। मैं वहां रहा करूंगा और सर्व कार्य मैं गुप्त रूप से किया करूंगा। तब प्रकृति देवी ने कहा कि निरंजन मैं तेरे वश होगी, अब कुछ भी नाच नचा। इतने बड़े ब्रह्मांडों को, इन 20 ब्रह्मांडों को मैं कैसे चलाऊंगी एक स्त्री की जाति, और तू मुझे छोड़कर जा रहा है, कहता मैं आज के बाद किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तब ज्योत स्वरूप निरंजन अर्थात इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने कहा कि प्रकृति चिंता ना करे, जो कुछ भी करूंगा वो मैं ही करूंगा, तुम तो निमित्त मात्र होगे और ये बच्चे ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी केवल निमित्त होंगे, इन सब का रिमोट मेरे पास होगा, सब कार्य मैं करवाऊंगा, तू चिंता मत कर। और जब ये बच्चे थोड़े से स्याने हों इनको अचेत कर देना, जब ये बाल अवस्था से ऊपर उठे इनको अचेत कर देना और मेरा भेद मत बताना, ये समझ लेना जान से, अगर मेरा भेद तूने इनको बताया तो मेरे से बुरा नहीं होगा, ऐसे उसको डरा धमका दिया। इस प्रकार ये काल उसके बाद निराकार कहलाता है लेकिन ये आकार में अपने उस काल लोक में विद्यमान रहता है। जब ये बच्चे ब्रह्मा विष्णु महेश स्याने हुए तब तक इनको अचेत रखा गया। जब ये स्याने हुए उसमें ब्रह्मा को कमल के फूल पे, विष्णु को शेष सैया पे और शिव को एक कैलाश पर्वत पे इनको बेहोश रखा हुआ था और फिर वहां पर सचेत कर दिया। सबसे पहले ब्रह्मा को कमल के फूल पे, इसी स्वयं ब्रह्म ने, काल ने अपने ही नाभि से एक कमल प्रकट किया। वो महाविष्णु, महाब्रह्मा, महाशिव रूप में, तीन रूप में ब्रह्म लोक में रहता हर ब्रह्मांड के अंदर। उस समय ब्रह्मा को उस कमल के फूल पर रख दिया,
ब्रह्मा को ये नहीं मालूम कि मैं कहां से उत्पन्न हुआ, कौन मेरा माँ है, कौन मेरे पिता है। उसके बाद आकाशवाणी हुई कि तुम तप करो। ब्रह्मा ने 1000 वर्ष तक तप किया। फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। तब ब्रह्मा ने सोचा कि मैं कहे की सृष्टि करूं, सब जगह जल ही जल है, कहीं पृथ्वी दृष्टि गोचर नहीं हो रही है। इतने में मधु और कैटब नाम के 2 राक्षस काल ने प्रेरित करके और ब्रह्मा की ओर भेज दिए। ब्रह्मा डर के मारे उस कमल के फूल को के डंठल को पकड़कर नीचे उतर गया, बहुत स्पीड तय। नीचे जब आया तो उसी जल के ऊपर एक शेष सैया पर चतुर्भुज रूप में एक व्यक्ति सो रहा है, उसके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म है। जब ब्रह्मा वहां पहुंचा उसी समय उस वो विष्णु जी थे, जो त्रिलोकीय विष्णु जी थे, उनमें से एक शक्ति निकली, वो आकाश में छागी। उसमें ये विष्णु जी होश में आए। इतने में मधु और कैटब भी पहुंच गए। मधु और कैटब के साथ भगवान विष्णु ने 5000 वर्ष तक युद्ध किया, वो नहीं मरे। फिर उस शक्ति ने जो आकाश में छाई थी एक लड़की का रूप बनाया, देवी का, और मधु कैटब को मोहित किया, अपनी ओर आकर्षित किया अपनी कलाओं से, अदाओं से। जब मधु और कैटब उस लड़की की तरफ देखने लगे तो विष्णु जी ने पीछे से उनकी गर्दन पकड़कर दोनों को मार डाला। अर्थात 5000 वर्ष तक भगवान विष्णु से 2 राक्षस नहीं मरे। वो भी तब मरे जब उस माता ने सहयोग दिया, उनको अट्रैक्ट कर लिया, आसक्त कर लिया। इससे 2 बातें सिद्ध होती हैं कि ये समर्थ नहीं है। जब 5000 वर्ष तक 2 राक्षस नहीं मर पाए भगवान विष्णु से, तब ब्रह्मा जी और विष्णु 2 थे। इतने में रुद्र अर्थात ये शिव भी वहीं प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी देवी भागवत महापुराण में बताता है कि मैं फिर हम 3 हो गए, ब्रह्मा विष्णु और शिव। तब देवी ने कहा कि तुम तीनों देवता अपने अपने कार्य को ध्यान से सुनो और उस पर संलग्न हो जाओ। ब्रह्मा जीवों की उत्पत्ति करवावे, उनको रजोगुण प्रभावित करके, ये केवल इतने ही ब्रह्मा हैं। और विष्णु फिर इनके आपस में सतिथि बनाए रखे, मोह ममता में फंसाए रखे, ये विष्णु जी की ड्यूटी है। और शिव की ड्यूटी है कि ये संहार करे। तब इन तीनों ने कहा कि हे माई, हे देवी, कहीं पर पृथ्वी नजर नहीं आ रही है और पृथ्वी के बिना प्राणियों की सृष्टि स्थिति और संहार असंभव है। तब वो देवी मुस्काई और कहा कि तुम, इतने में एक विमान आया और कहा कि तुम तीनों के तीनों इस विमान में बैठो और चिंता मत करना, घबराइयो मत। उस समय ये तीनों के तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश विमान में प्रवेश कर गए। विमान मन की गति से चला, बहुत तीव्र गति था। कहां पहुंचा? ब्रह्मलोक में पहुंचा, जहां पर ये काल भगवान 3 रूपों में रहता है, जहां इनकी उत्पत्ति की जाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। और वहां पर कोई नहीं जा सकता, ना वेद विधि से किसी साधना तक, ना तप से, ना यज्ञ से, ना हवन से, किसी प्रकार से नहीं जा सकता, ना किसी जप से। वहां पर तो ये अपनी कृपा से ही ले जा सकता है, ये काल भगवान सोचल सिद्ध करके। वहां जाकर के इन्होंने क्या देखा? एक इंद्र देखा वहां पर, क्योंकि वो महास्वर्ग के अंदर एक महा इंद्र है। उसके बाद फिर आगे विमान गया, वहां एक ब्रह्मा देखा। जब ब्रह्मा दूसरा ब्रह्मा देखा तो शिव और विष्णु ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि हे चतुरानन, ये दूसरा ब्रह्मा कौन है? तब ब्रह्मा जी ने कहा मुझे नहीं मालूम ये कौन है। उसके बाद विमान आगे चला, फिर क्या देखा कि त्रिनेत्रधारी भगवान शिव दूसरा देखा, जो नंदी वृषभ पर सवार थे, हाथ में त्रिशूल लिए हुए थे।
उसके बाद इनका विमान आगे चला, वहां पर क्या देखा कि एक विष्णु और थे और वह बहुत सुंदर विशाल लक्ष्मी का एक भवन था, उसमें बहुत ऐश्वर्य के साधन उपलब्ध थे। उसके बाद विमान आगे पहुंचा, कहां गया, एक माई बैठी थी जिसके शरीर में जैसे हजारों बिजलियां चमक रही हो, इतना तेज था, इतना नूर था, और वो प्रकृति देवी थी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की मां थी, मां है जो इन्होंने देखी। विमान वहां रुका, देवी एक विशाल भवन के अंदर विराजमान थी। तब उसने कहा कि तुम तीनों के तीनों जहाज से नीचे उतरो। हम नीचे उतरे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा बता रहा है देवी भागवत महापुराण में, नीचे उतरे। तब विष्णु जी ने ध्यान से देखा और कहा कि ये तो अपनी मां है, इस माई के दर्शन मैंने किए थे जब मैं बालक था, छोटा सा था। जब मैं बालक था, छोटा सा था, तब मैंने इस माई के दर्शन किए थे। इससे सब सिद्ध है कि इनका जन्म है और ये तीनों की मां है। तब ब्रह्मा विष्णु और शिव ने, तीनों ने स्वीकार कर लिया कि ये ही अपनी जननी है। तब शिव जी कहते हैं, हे माता, जब आप ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाली आप हैं, विष्णु भी जब आपके बालक हैं, तो ये तीसरा भी आप ही का बच्चा है। आप ही हमें गुप्त भेद नहीं बता रहे थे, अब हमने आप ही की कृपा से ज्ञान हुआ। अब इसका प्रमाण आपको सबसे पहले देवी भागवत महापुराण में देता हूं। पहले आपको देवी भागवत महापुराण से प्रथम शिव पुराण को दिखाता हूं, उसके बाद फिर आपको देवी भागवत महापुराण दिखाऊंगा। और ये शास्त्र पहले से उपलब्ध थे, कोई आज नहीं बनाए इस दास ने, क्योंकि जितने हमारे अभी तक शास्त्र विद रहे वो अल्पज थे, अधूरे ज्ञान युक्त थे, वो उनको इस सत मार्ग का पता नहीं था, इसलिए हमारे सभी पूर्वजों को भूत बना दिया, गीता विरुद्ध साधना करवा के, और पितर बनवा दिया, गीता विरुद्ध साधना करवा के। गीता में लिखा है कि देवी देवताओं की पूजा मत करो, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा तक भी नहीं करनी है, तीनों गुणों की भक्ति नहीं करनी है, केवल ब्रह्म से प्रारंभ होती है भक्ति, और पूजा करनी है केवल पूर्ण ब्रह्म की। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।